हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मन की बात, इस शब्द से तो बच्चा बच्चा वाकिफ हो गया है। सब मन की बात से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात जो जनता से करते हैं। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चित्रकूट ज़िले के करबी ब्लॉक के खो गांव में राजकुमारी से मन की बात की थी, और उस समय ज़िले के छोटे अधिकारी से लेके सारे आला अधिकारी तक वहां मौजूद थे। राजकुमारी की दो बेटियां थीं जो आर्थिक स्थिति की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाईं। उस टाइम वहां मौजूद अधिकारियों ने राजकुमारी से उनकी लड़कियों को अपने पास बैठा के वादा किया था कि वो उनकी बच्चियों को पढ़ाएंगे, लेकिन एक साल होने को आ गया है, अभी तक उन लड़कियों का ना कहीं एडमिशन हुआ है ना उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी है। मोदी जी से क्या बात की थी आपने? मोदी से ये बात की हूँ कि गैस नहीं मिली है, आवास मिली है, टट्टी घर मिला है और कुछ नहीं मिला। कहन कि अब मम्मी को कह देना तो बोल देना तो फिर तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी। फिर कराया एडमिशन? नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? अब पैसा नहीं रहेंगे तो काट देंगे। तो अधिकारी क्या कहते हैं, वो करवाएंगे एडमिशन ना? वो कहे नहीं कि फिर बाद में कहा है, तो अधिकारी कहें कि नहीं पैसा लगेगा तब बोल। तो नहीं पढ़ा रही लड़कियों को? नहीं पढ़ा। अगर पैसे पढ़ाने की सुविधा मिल जाए तो आप पढ़ाएंगी? फिर पढ़ाएंगे। अधिकारी क्या कहते हैं, दोनों बिटियों को पढ़ाएं क्या? हाँ। क्या बोल लेते हैं? कहा एडमिशन करा दो दोनों का, करा दे भी दोनों का। फिर जब मोदी चाहेंगे तब फिर बाद में कहा, तो पहले कहा मार्च में हो, फागुन मार्च अब अप्रैल, फिर बोला तो कहा नहीं लड़की पैसा लगेगा। अब बिटिया तो कहती है कि पढ़ा पढ़ी, तब कहें पढ़ाई पैसा नहीं आई एडमिशन का। क्या करती हैं आप? अरे ये तो घर में रहती हैं, क्या करती हैं? तो एक बिटिया की शादी कर दी आपने? हाँ, कही दी। वो पढ़ना चाह रही थी? हाँ पढ़ना चाहती, तो ऊपर नहीं कोई सहयोग नहीं दिया था, नहीं पढ़ी। मोदी जी से बात हुई थी तब पूरे जिला के अधिकारी आए थे, फिर सुबह बात हुई थी तो बोल रहे थे आवास मिली है, मम्मी कहे हाँ आयुष्मान कार्ड बना है का जी, और बिटियन के लड़कों के बारे में पूछे थे, लड़कियों के बारे में पूछे थे पढ़ाई के बारे में, लड़के क्या काम करते हैं, लड़कियां क्या करते हैं, पढ़ाई करती हैं कि बंद, तो बंद हो गई लड़कियों की पैसा की समस्या से। उन्होंने बोल रहा था कि पढ़ाएंगे, मोदी जी भी बोले थे? नहीं, ये से साहब अधिकारी जो आए थे हाँ उन्हीं के सामने हाँ, और फिर बोल रहे थे फरवरी में बात करना, फिर दीदी कर रही थी तो नहीं पढ़ा। आप दोनों बहनों के लिए बोला हाँ। था उन्होंने, अब बोल रहे थे कि 5-5 लाख बेटियों के लड़कियों के बारे में मिलेगा शादी के बारे में। तो आप और दीदी दोनों की कितनी कितनी पढ़ाई हो पाई है? दीदी की 10 और मेरी 8। तो दीदी ये पढ़ना चाहती थी? और जी वो तो पढ़ना चाहती थी, अभी भी बोल दो कि तब वो पढ़ लेगी, मगर पैसा नहीं है, ससुराल से कोई पढ़ाता नहीं। आप पढ़ना चाहती हो? जी पैसा नहीं है तो अब क्या पढ़ें। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा पथरा फोड़ते हैं, मम्मी घर में रहते हैं, खेती किसानी बनी मजूरी करती है, गड़ाही वड़ाही लागी। उन्होंने कहा कि हम मुफ्त तुम्हारी लड़कियों की पढ़ाई होगी और तुमको जो है जितना फीस उसका पैसा लगेगा वो सरकार भरेगी, और ये लड़कियों की शादी में जो है आपकी सहायता सरकार देगी, पैसा वैसा भी देगी, इसलिए एक बात कहाँ है फिर कुछ नहीं की। तो किस तरीके से सहायता मिली आपको अब तक? कुछ कोई तरीके की नहीं मिली। कितने महीने हो गए? 8-9 महीने हो, काम हुआ कॉलोनी आवास भी मिली है बस। तो आवास तो सभी को मिल रही है? हाँ आवास सबको मिल रहे हैं, ना कोई कार्ड बना है, ना श्रम विभाग का कहा कार्ड बनवा दे वो नहीं बना है, और कहन की तुम्हारी मुफ्त दवा होगी तो वो भी नहीं बना है। और लड़कियों की जो पढ़ाई के लिए वादा किया था तो आप उनसे बात की है फिर? जी हाँ, कौन से बात किया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम पैसा नहीं देंगे अपना, हम तुमको कॉलेज बता देंगे तुम वहाँ एडमिशन करवा लीजिए।
हमारा ये कहा था कि पूरा पक्का घर, घर पूरा पक्का घर हो गया, घर पक्का पक्का हो गया, पूरा खेती मिली है, वह 10-20 वह खेत मिला है घर के बारे में। तो हाँसी उड़ाओ तुम्हारी, हाँसी मिली है, लाल बत्ती मिली है, पक्का अबिटियन का 5-5 लाख रुपया मिला है, इन्हें मिला है, हमें कुछ नहीं मिला है। बात है भाई, जब चले गए थे ना वो लोग, तब आदमी मजाक उड़ा रहा था कि बेटियों लड़कियों के नाम 5-5 लाख रुपया, और जिसके नाम आए थे उसको करीब अरब कह बोल रहे थे 20 लाख मिला है। लड़कों बाहर से आए थे अपनी मुसीबत में, तो बोल रहे थे आदमी के वे पैसा जमा करने के लिए आए थे। राजकुमारी और उसकी बेटियों का कहना है कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से फोन पर बात की जो वो नंबर दे गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं दे सकते, अपने आप जाओ, पैसा लगेगा, एडमिशन कराओ। वो लड़कियां पहले तो संपर्क, अब बताइए कि क्या वो लोगों की एकदम गरज नहीं है कि वो लोग संपर्क नहीं कर सकती है? जिला प्रशासन ही संपर्क करेगा, उनको भी दे दिया हाँ हमको एडमिशन कराना है। मैंने अपना उनके कहा भी मैंने अपना मोबाइल नंबर दोनों दिया था कि जब भी बेटा तुम्हें विद्यालय जाने की जरूरत हमें एक बार संपर्क कर लेना। वो कह रही हमने संपर्क किया, मना कर दिया सर ने। किससे संपर्क किया? गलत बोल रही है लड़कियाँ, इतना मैंने उनसे कहा था। वो बोली कि मैं कहाँ, बोली कि पहाड़ी में मुझे नाम लिखवाना है। हम कहे क्यों? कहा कि पहाड़ी की तरफ कहीं किसी गांव की शादी होने वाली थी, ऐसा उन्होंने बताया था। तो जैसे अभी एक बच्ची उनकी बची है, वो पढ़ना चाहेगी तो उसको क्या करना होगा? अब जो है आप तो आप अब इस समय आपका दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी 2 महीने 3 का महीना और 17 उसके बाद संपर्क करना आपके आप उनको बता दीजिए। आपके माध्यम से हमारे पास बात आ जाएगी, जहाँ पढ़ना चाहेंगे वो जो है मान लीजिए फीस लगती हो तो उसका जितना हो सकता माफ करवा दिया जाएगा, नहीं तो सरकारी में देखा जाएगा जो सरकारी फीस नहीं है उसको माफ करा कर उतना तो किया जा सकता है। अभी इसमें तो कहीं एडमिशन नहीं होगा किसी क्लास में। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।